आज का हमारा टॉपिक है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, या इसी को शॉर्ट में ओसीडी भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है पर्सन जो है सेम एक्शन या बिहेवियर को कई घंटों तक रिपीट या बार बार करता है, जिसके कारण उसके दैनिक जीवन प्रभावित होते हैं। जैसे कि अगर उसने घर का दरवाजा बंद किया है तो थोड़ी देर बाद उसे डाउट होगा कि घर का दरवाजा बंद है या फिर नहीं है, और इसलिए वो बार बार दरवाजे को चेक करता है कि दरवाजा बंद है या नहीं। ये डाउट्स जो है बार बार होते हैं और वो बार बार चेक करने जाता है कि दरवाजा बंद है या नहीं। नॉर्मली दरवाजा जब हम बंद करते हैं तो हमें भी एक दो बार डाउट होता है कि दरवाजा मैंने लॉक किया या नहीं, लेकिन ओसीडी वाले पेशेंट में ये बहुत ज्यादा होता है। जैसे कि एक और एग्जांपल हाथ धोने का लेते हैं, जिसमें ओसीडी वाले पेशेंट को ऐसा डर रहता है कि अगर हाथ किसी चीज में टच हो जाए तो हाथ जो है गंदा हो जाता है या इन्फेक्टेड हो जाता है, तो इसलिए वो बार बार हाथ को धोते हैं, और हाथ को वो लगभग दिन भर में 20 से भी अधिक बार धो लेते हैं, जिसके कारण उसका हाथ जो है छिल जाता है, जिसके कारण उसका हाथ डैमेज हो जाता है। नॉर्मली हाथ गंदा होने पर हम भी हाथ धोते हैं, लेकिन ओसीडी वाले जो पेशेंट होते हैं वो हाथ अगर हल्का सा भी किसी चीज में टच हो गया तो उनको ऐसा लगता है कि उनका हाथ इन्फेक्टेड हो गया है या गंदा हो गया है, और इसलिए वो हाथ किसी चीज में टच हो जाने पर बार बार धोते रहते हैं। बार बार हाथ धोने से या 20 बार से अधिक हाथ धोने से उनके हाथ छिल जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। इसी तरह का एक और एग्जांपल हम नोट गिनने का ले सकते हैं। जब ओसीडी पेशेंट नोट को गिनता है तो उसको डाउट होता है कि मैंने गलत गिना है, मुझे गिनने में गलती हुई है, तो इसलिए वो फिर से नोट को गिनने लगता है। इसी तरह उसको बार बार डाउट होता है और वो बार बार नोट को गिनने लगता है। तो ये तो केवल 2-3 एग्जांपल थे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के। तो अब हम इसे विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं, इसमें जानने के लिए और भी बहुत कुछ है, तो वीडियो में अंत तक बने रहे। तो पहले हम ऑब्सेशन का मतलब समझते हैं कि ऑब्सेशन का मतलब क्या होता है। तो ऑब्सेशन का मतलब होता है एन आइडिया, इम्पल्स और इमेज विच इंट्रूड्स इनटू द कॉन्शियस अवेयरनेस रिपीटेडली। यानी कि एक आइडिया, इम्पल्स या इमेज इंट्रूड करता है, घुसपैठ करता है, घुस जाता है ओसीडी पेशेंट के कॉन्शियस अवेयरनेस में, ओसीडी पेशेंट्स के माइंड में रिपीटेडली बार बार। सिंपल में कहें तो कोई आइडिया या इमेज ओसीडी पेशेंट के माइंड में बार बार जबरदस्ती घुस जाता है। जैसे कि मैंने खाना बनाने के बाद किचन गैस को बंद किया या नहीं, दे आर रिकॉग्नाइज्ड एज इंडिविजुअल ओन थॉट्स और इम्पल्स, और ओसीडी पेशेंट को ऐसा लगता है कि ये उनके खुद के थॉट्स हैं, उनके खुद के सोच है, ये वो खुद से ही सोच रहे हैं, ऐसा ओसीडी पेशेंट को लगता है। दे आर अनप्लीजेंट एंड रिकॉग्नाइज्ड एज इरेशनल। ये थिंकिंग, ये थॉट्स जब उसके माइंड में आते हैं तो उनको अनप्लीजेंट लगता है, अच्छा नहीं लगता, और रिकॉग्नाइज एज इरेशनल मतलब ये तर्कहीन बातें हैं, बेकार की बातें हैं, कोई मतलब नहीं है किचन गैस को चेक करने का। पेशेंट ट्राइज टू रजिस्ट देम बट इज अनेबल टू। ये जो माइंड में थॉट्स आ रहे हैं, आइडिया आ रहे हैं कि किचन गैस बंद है या नहीं है, इस थॉट को, इस आइडिया को वो रजिस्ट करने का, रोकने का कोशिश करता है, लेकिन इज अनेबल टू, लेकिन वो रोक नहीं पाता है। फेलियर टू रजिस्ट लीड टू मार्क्ड डिस्ट्रेस। मतलब जब ओसीडी पेशेंट वो थॉट्स को रोकने का कोशिश करता है और वो फेल हो जाता है, तो उस केस में उसे डिस्ट्रेस होने लगता है, परेशानी होने लगता है, कष्ट होने लगता है, एंजाइटी होने लगता है। तो इतना ऑब्सेशन का मतलब है, यानी कि ओसीडी पेशेंट्स के माइंड में कई आइडिया, इम्पल्स या इमेज इंट्रूड करते हैं, घुसपैठ करते हैं, और उसको ऐसा लगता है कि ये उसके खुद के थॉट हैं, वो उसको खुद से ही सोच रहे हैं, और जो थॉट आते हैं वो उनको अनप्लीजेंट लगता है, अच्छा नहीं लगता है, और उनको ये पता है कि ये इरेशनल है और बेकार का थॉट है जिसका कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए वो इसे रोकने की कोशिश करता है, रजिस्टर करने की कोशिश करता है, लेकिन वो अनेबल हो जाता है, फेल हो जाता है। और जब इस थॉट को वो रोकने में फेल हो जाते हैं या असफल हो जाते हैं तो फिर उसको डिस्ट्रेस होने लगता है, परेशानी होने लगता है और एंजाइटी होने लगता है। तो इतना को हम ऑब्सेशन कहते हैं। अभी तक जो मैंने आपको बताया वो ओसीडी पेशेंट के माइंड में ही चल रहा है कि किचन गैस बंद है या नहीं है। तो अब हम कंपल्सन का मतलब समझते हैं। अ फॉर्म ऑफ बिहेवियर विच यूजुअली फॉलोज ऑब्सेशन।
कंपल्शन एक तरह का बिहेवियर है जो ऑब्सेशन को फॉलो करता है। इट इज एम्ड एट आइदर प्रिवेंटिंग और न्यूट्रलाइजिंग द डिस्ट्रेस और फियर अराइजिंग आउट ऑफ ऑब्सेशन। यानी कि इसका एम या लक्ष्य या उद्देश्य होता है कि या तो ऑब्सेशन से आने वाले डिस्ट्रेस को रोक दिया जाए या न्यूट्रल कर दिया जाए। और इसलिए कंपल्शन या रिचुअल्स आर परफॉर्म्ड विद द सेंस ऑफ सब्जेक्टिव कंपल्शन अर्ग टू एक्ट। यानी कि कंपल्शन या रिचुअल्स को परफॉर्म कर देते हैं सब्जेक्टिव कंपल्शन के सेंस के साथ। सेंस ऑफ सब्जेक्टिव कंपल्शन का मतलब होता है एक्ट करने की इच्छा, मतलब किचन गैस को चेक करने की इच्छा। कंपल्शन का एग्जैक्ट मीनिंग होता है जो ओसीडी पेशेंट के माइंड में जो डिस्ट्रेस आ रहे हैं तो उसके कारण जो इच्छा हो रहा है चेक करने का, डिस्ट्रेस होने के कारण जो इच्छा हो रहा है ओसीडी पेशेंट के माइंड में कि किचन गैस को मैं एक बार चेक कर लूँ, तो उस इच्छा को हम कहते हैं कंपल्शन। तो कंपल्शन का एग्जैक्ट मीनिंग है अर्ग टू एक्ट, मतलब कहने का जो ऑब्सेशन से डिस्ट्रेस आ रहे हैं, एंजाइटी आ रहे हैं, उसको कम करने के लिए जो हमारा किचन गैस को चेक करने की इच्छा है उसको हम कहते हैं कंपल्शन। और ये कंपल्शन इतना स्ट्रांग होता है कि हम इस कंपल्शन को परफॉर्म कर देते हैं। तो आपको ऑब्सेशन और कंपल्शन का मतलब समझ में आ गया। तो इसीलिए इस डिसऑर्डर का नाम है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो अब हम इसके कॉजेस के बारे में बात कर लेते हैं, किन किन कारणों के कारण ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है, और साथ ही इसके एपिडेमियोलॉजी भी हम देखेंगे। ओसीडी हमारे देश में अनमेरिड मेल में कॉमनली होता है, लेकिन अदर कंट्री में मेल फीमेल दोनों में हो सकता है। हाई इंटेलिजेंट लोगों में और अपर सोशल स्ट्रेटा के लोगों में भी कॉमन है। इसका अभी तक एग्जैक्ट कारण का पता नहीं चल पाया है। ऐसा माना जाता है कि ये फैमिली मेंबर से भी ट्रांसफर होते हैं। कई स्टडी ये भी सजेस्ट करते हैं कि जिन्हें ओसीडी होता है उनके न्यूरोट्रांसमीटर सीरोटोनिन में अबनॉर्मलिटीज पाया गया है। सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार रिग्रेशन टू प्री ऑडिपल एनल सडिस्टिक फेज कम्बाइन विद द यूज ऑफ स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म लाइक आइसोलेशन, अनडूइंग, डिस्प्लेसमेंट एंड रिएक्शन फॉर्मेशन के कारण भी ओसीडी हो सकते हैं। तो अब हम इसके लक्षण की बात कर लेते हैं। पहला है ऑब्सेशनल थॉट्स, मतलब शब्द, आइडिया और बिलीफ बलपूर्वक ओसीडी पेशेंट के माइंड में आते हैं जो अनप्लीजेंट और पेशेंट के लिए शॉकिंग होता है। जैसे कि अश्लील या भगवान के प्रति अनादर करने वाला शब्द, लाइक भगवान को गाली देना या अश्लील बातें माइंड में आना, ओसीडी पेशेंट इसको रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो रोक नहीं पाते। उसके बाद है ऑब्सेशनल इमेज, जैसे कि अबनॉर्मल सेक्सुअल प्रैक्टिस का इमेज उनके माइंड में आए, लाइक भगवान के साथ या किसी फैमिली मेंबर के साथ सेक्सुअल प्रैक्टिस को वो इमेजिन करे। उसके बाद है ऑब्सेशनल रूमिनेशन, मतलब सिंपलेस्ट जो एवरीडे उनका एक्शन है, जो काम है, उसको भी वो अंतहीन तरीके से रिव्यू करते हैं। एंडेसली का मतलब होता है जिसका अंत नहीं है, वो बार बार चेक करते ही रहते हैं, इस कारण उनका बहुत समय बर्बाद हो जाता है। उसके बाद है ऑब्सेशनल डाउट्स, जैसे कि दरवाज़ा बंद करने के बाद भी बार बार डाउट होना कि दरवाज़ा बंद है कि नहीं, किचन गैस बंद करने के बाद भी बार बार डाउट होना कि किचन गैस बंद है कि नहीं, नोट गिनने के बाद बार बार डाउट होना कि जितने नोट गिने उतने नोट है कि नहीं, क्या मैंने गलत थोड़ी गिना है। ये जितने भी मैंने आपको बताया, दरवाजा वाला, किचन गैस वाला, नोट वाला, ये रिपीटेड होते रहेंगे। अगर माइंड तक चल रहा है तो ये ऑब्सेशनल डाउट्स है, लेकिन अगर वो उसको परफॉर्म करते हैं, जैसे कि दरवाजा को चेक करने जाते हैं, किचन गैस को चेक करते हैं, नोट को बार बार गिनते हैं, तो इसमें कंपल्शन भी ऐड हो जाएगा। पांचवा है ऑब्सेशनल इम्पल्सेस, मतलब वायलेंट या इम्ब्रेसिंग तरीके से एक्टिविटी करने का इच्छा, जैसे कि बच्चे को घायल करने की इच्छा, मंदिरों या चर्च में ऊंची आवाज में चिल्लाना। उसके बाद है ऑब्सेशनल रिचुअल्स, जैसे कि कुछ भी चीज़ में हाथ टच हो जाने पर ऐसा सोचना कि हाथ गंदा हो गया है या इन्फेक्टेड हो गया है, और ये सोच के बार बार हाथ को धोना, इतना धोना कि हाथ छिल जाता है या हाथ का जो ऊपरी परत है वो डैमेज हो जाता है। तो इसमें पेशेंट दिन भर में 20 बार से भी अधिक बार हाथ को धो लेते हैं और हाथ छिल जाता है। हल्का सा भी किसी भी चीज़ में टच हो जाए, चाहे वो गंदा हो या साफ, फिर भी हाथ धोते हैं ओसीडी पेशेंट। कहने का मतलब ये सेंसलेस है, बिना मतलब का हाथ धोते हैं। उसके बाद है ऑब्सेसिव स्लोनेस, मतलब उसके डेली एक्टिविटी स्लो हो जाते हैं। इसके अलावा ओसीडी पेशेंट को डिप्रेशन भी होते हैं, और तो और अगर ओसीडी पेशेंट किसी चीज़ का डेकोरेशन या सजावट कर रहे हैं या किसी चीज़ को अरेंज कर रहे हैं
तो उसको वो बार बार रिपीट करते हैं परफेक्ट अलाइनमेंट के लिए, मतलब परफेक्ट सजाने के लिए वो बार बार अरेंज करते ही जाते हैं और उनका टाइम वेस्ट होता जाता है। कई शब्द या फ्रेसेस को भी वो रिपीट कर सकते हैं। हाथ को साफ करने के अलावा वो पूरा घर को भी बार बार साफ कर सकते हैं, और उनके घर में अगर कोई आया हो और वो किसी बिस्तर पे बैठ जाए, बेड पे बैठ जाए, तो जो बेड शीट होता है उसको भी वो लोग धोने लगते हैं। अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन जैसे कि फ्लूक्सामाइन, सर्टालिन एक्सेट्रा, और एंटी एंजाइटी ड्रग जैसे कि बेंजोडाइजापिन यूज किया जाता है। साथ ही साथ बिहेवियर थेरेपी भी इसमें दिया जाता है, जैसे कि एक्सपोज एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन, थॉट स्टॉपेज, रिलैक्सेशन टेक्निक, डिसेंसिटाइजेशन, अवर्जिव कंडीशनिंग। तो पहला है एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन। एक्सपोज एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन में पेशेंट को जिस चीज़ का थॉट आता है या डर लगता है उस चीज़ से पहले पेशेंट को एक्सपोज करते हैं, फिर उसको रिस्पॉन्स करने से रोकते हैं। जैसे कि पेशेंट को बोलते हैं कि किसी चीज़ में आप हाथ को टच करें, और जैसे ही वो हाथ को टच करते हैं तो उनके माइंड में हाथ धोने का ख्याल आने लगता है। तो हमने क्या किया, उनको एक्सपोज किए किसी सरफेस से, किसी कंटामिनेटेड सरफेस से। उसके बाद जो उनके माइंड में जो थॉट आ रहे हैं हाथ धोने के, तो उसको हम प्रिवेंट करेंगे। जो रिस्पॉन्स आ रहा है उसको हम प्रिवेंट करेंगे, मतलब उसको हाथ धोने नहीं देंगे। तो ऐसा बार बार प्रैक्टिस करते रहने से पेशेंट अपने थॉट को कंट्रोल कर पाते हैं और धीरे धीरे उनमें सुधार होने लगता है। इसी तरह थॉट स्टॉपेज है, इसमें पहले पेशेंट को कम्फर्ट चेयर में बिठाया जाता है, फिर किसी एक थॉट को पेशेंट के माइंड में लाने को कहा जाता है। जैसे ही वो थॉट माइंड में आता है पेशेंट से कहा जाता है कि वो स्टॉप कमांड करें, और पेशेंट धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते वो थॉट्स आने स्टॉप हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। बिहेवियर थेरेपी के अलावा भी सपोर्टिव साइकोथेरेपी, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी पेशेंट को दिया जाता है, लेकिन इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी अभी कॉन्ट्रोवर्सल है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी नए टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं या इस वीडियो में आपको कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू।